हम सबको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलाए और हम लोग को एक मौका मिला कि सर से बहुत क्लोजली बात करने के लिए। बट सर ने कभी ऐसे महसूस करने नहीं दिया कि हाँ यार हम लोग प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। सर ने बहुत ओपनली बात किया, बहुत फ्रेंडली बात किया। वो तो हम लोग के कंफर्ट जोन में लेके गया, हमारे पास आ गया सर ने। और सर हम लोग से हमारे कोच को विश किया पहले, और सर ने हम लोग को यही बताया कि पूरा हिंदुस्तान हमारा जीत का आई मीन तस्न मना रहा है, और बोल रहा था कि जितना भी मेडल जीत के लेके आए, बट जब हॉकी टीम मेडल जीत के आता है वो पूरा इंडियंस के लिए एक स्पेशल ओकेशन है। और वो हमारे लिए एक ग्रेट ऑनर था। और सर ने बोला कि हाँ, उसके बाद सर ने खेल रत्न के नाम के सामने ध्यानचंद जी का नाम दे दिया। तो ये हमारे ऐसे हॉकी प्लेयर हैं, हमारे लिए तो बहुत ऑनर की बात था कि हाँ यार एक सबसे स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड ध्यानचंद जी के नाम पे आ रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा क्या बताओ, एक बहुत बड़ा हॉनर था। उसके बाद सर ने यही चीज़ पूछा गया कि श्री आपने तो पंजाबी तो सीख लिया होगा। तो मैंने बोले सर को, सर ये सर इतना साल से तो सब बहुत बहुत ज़्यादा पंजाबी लोग हैं टीममेट, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो पंजाबी सीख लिया। अभी मैंने बोला कि अभी एक मौका है कि मुझे ये लोगों को मलयालम सिखाना चाहिए, तो मैं ये लोगों को अभी मलयालम सिखाऊंगा।